फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी नर्सेज पर। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के नए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिक्षा विभाग की पहली रिव्यू बैठक ली और इसमें उन्होंने बैच वाइज भर्ती समेत कई चीज़ों पर बड़े फैसले लिए और रिव्यू भी किया। आइए आपको बताते हैं कि बैच वाइज भर्तियाँ जो काफ़ी समय से लंबित पड़ी हुई है, उस पर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। आज जी मीटिंग थी, आज हमारे विभाग की शिक्षा विभाग की रिव्यू मीटिंग थी, जिसमें हमारे CPS एजुकेशन आशीष बुटेल जी उपस्थित थे, सेक्रेटरी एजुकेशन अभिषेक जैन जी, हमारे तीनों HODs। इसमें विस्तार से मैं समझता हूँ अपने विभाग को कैसे और आने वाले समय में इम्प्रूवमेंट हो सके, सुधार हो सके, उसके बारे में सार्थक विचार विमर्श हुआ और आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से मैं समझता हूँ इन ओर कार्य किया जाएगा। और आज हमारी प्रथम बैठक थी और इसके उपरांत सारे कार्य अमली जामा इनको पहनाया जाएगा। जो हमारे काफ़ी समय से जो आपके बैच वाइज की अपॉइंटमेंट्स थी, जो प्रमोशन के केसेस थे, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, उनको शीघ्र अतिशीघ्र एक निश्चित समय अवधि में ये पोस्ट फिलअप हो, क्योंकि वर्तमान में ही लगभग कोई 12,000 के आसपास आपकी रिक्तियां आपके दोनों विभागों में, चाहे आप हायर एजुकेशन की बात करें चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करेंगे, लगभग कोई 12,000 पोस्टें खाली है और इनको मैं समझता हूँ उस स्तर पर भरा जाए ताकि इसका फ़ायदा हमारे बच्चों को हो सके। ये हमारा प्रयास है और इसको हम टाइम बाउंड मैनर में जो बैच वाइज और आपकी जो प्रमोशन के केसेस है जो कोर्ट में लंबित नहीं है, इसको मैं समझता हूँ महीने के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे।